प्रेम कुमार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। आरजेडी के द्वारा कल बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। बिहार में विकास हुआ है या नहीं, आरजेडी के द्वारा इसी मुद्दे पर बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा का सत्र निकल है, 24 मार्च तक सत्र चलेगा, उससे पहले 23 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा आरजेडी के द्वारा। आरजेडी ने एक बैनर लगाया है, मैं आपको बैनर दिखाया हूँ। बैनर के माध्यम से साफ दर्शाया गया है कि बिहार में जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो विकास नहीं हुआ है। और इसको आप बैनर को देखिए, लिखा हुआ है आइए धीरे से राज शुरू की बिहार सरकार में आपका स्वागत है। यहाँ विधानसभा घेराव 23 मार्च 2021 का समय 10 बजे दिन से होगा। इस बैनर में आप देख सकते हैं जिस तरह से नीतीश कुमार के आंख पे पट्टी मारा गया है, और जो डिप्टी सीएम है रेणु देवी उनके भी आंख पे पट्टी मारा गया है, दिखाया गया है। और बैनर से साफ पता चलता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के 2005 से बिहार में सरकार है, और विपक्ष के भूमिका में यहाँ आरजेडी जबरदस्त है। और यहाँ तस्वीरों में दिखाया गया है कि नीतीश कुमार के राज में चेन लूट, एटीएम लूट और व्यापारियों की हत्या, सत्ता संरक्षण प्राप्त शराब केंद्र। यानी बिहार में जो काम विकास की बात करते हैं, सुशासन बाबू विकास नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो क्राइम का भी रेशियो देखा जाए तो क्राइम भी बढ़ रहा है, या संविदा कर्मी हो या सरकारी नौकरियों में जिस तरह के धांधली है, परीक्षार्थी परेशान है, शिक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम इन सब बातों को इस बैनर में दिखाया गया है। आरजेडी के द्वारा यह बैनर आज लगाई गई है, और बैनर से साफ पता चलता है कि बिहार में विकास का काम नहीं हुआ है। इसी को लेकर आरजेडी पूरी तरह से कमर कस ली है और बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रही है। यानी 23 मार्च को बिहार विधानसभा घेराव करके तमाम मुद्दों पर जो एनडीए सरकार के द्वारा एक बात कही गई थी, 19 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी चुनाव के समय, लेकिन उसकी पहल जो नहीं दिख रही है उस पर भी आरजेडी ने हमला किया है। और लगातार सवाल सदन में उठाते रहे कि 19 लाख रोजगार की बात जो एनडीए ने कहा था उसके बावजूद भी लोगों को नौकरी नहीं मिली, यानी 19 लोगों को भी नौकरी नहीं। और बिहार में क्राइम व्यवस्था को देखा जाए, कानून व्यवस्था को देखा जाए, शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से लचर व्यवस्था है उसको लेकर आरजेडी ने एनडीए सरकार पर हमला किया है, और उसी व्यवस्था पर कल बिहार विधानसभा का भी घेराव करने जा रही है। तो साफ तौर से कहा जाता है कि नीतीश कुमार के आंख पर पट्टी है, जिसके कारण उनको बिहार का विकास नहीं दिख रहा है, कानून व्यवस्था नहीं दिख रहा है, क्राइम व्यवस्था नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार के सरकार में चेन लूट, हत्या, अपराधियों का हत्या, और इस तरह से जो संरक्षण प्राप्त लोग हैं, शराब माफिया हो, तमाम इन मुद्दों पर आरजेडी सवाल पहले से भी उठाते रहे। इससे पहले भी रोड पे 3 कृषि बिल को लेकर भी सवाल उठाते रहे, और कल भी 23 मार्च है, और कल के 10 बजे से बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रही है। 24 मार्च तक सत्र चलेगा और 23 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रही है आरजेडी। इसके लिए तेजस्वी यादव पूरी तरह से कमर कस रहे हैं, और कल के दिन आप देखेंगे कि आरजेडी इस तरह से घेराव करने जा रही है। बिहार में पहली बार ऐसा होगा जब सत्र के दौरान ही विपक्ष बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रही है। यह तस्वीर जो है आरजेडी के जो कार्यालय है वहां पर लगाया गया है, और तस्वीर आप एक बार फिर से इनको तस्वीर दिखाइए, आरजेडी कार्यालय के बाहर में बैनर लगाया गया, पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर हमें आप सब देख सकते हैं कि आरजेडी ने जिस तरह से नीतीश कुमार, रेणु देवी और तमाम विधि व्यवस्था को इस बैनर के माध्यम से दिखाया गया है। तो कल बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रही है आरजेडी, और पूरी तरह से कमर कस ली है और तैयारी भी कर ली है। तमाम जिलों से कार्यकर्ता आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और सत्र के दौरान ही कल बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा आरजेडी के द्वारा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।